वेलकम टू लर्न बी आई एम शिवानी चौहान क्लास एट साइंस चैप्टर एट फोर्स इंड प्रेशर के हम एन सी आर टी के क्वेश्चन आंसर्स और साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कौन कौन से हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी देखेंगे पहला क्वेश्चन है गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अब एग्जाम्पल दीजिए कि आप पुश करेंगे या पुल करेंगे अगर आपको ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करना है तो आंसर है पुश वी क्लोज ड्रॉर बाय पुशिंग है ना पुश करके आप ड्रॉर को बंद कर देते हो वी मूव अ वुडन बॉक्स बाय पुशिंग पुश करके वुडन बॉक्स को भी मूव कर देते हो पुल वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल बाय पुलिंग द रोप अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट तो हम वाटर ड्रॉ करते हैं रोप से और हम कार्ट को भी पुल करते हैं क्वेश्चन टू है गिव टू एग्जाम्पल्स इन विच चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब आपको एक्जाम्पल देना है कि जब आपने फोर्स अप्लाई करी है तो ऑब्जेक्ट की शेप बदल जाती है तो वैन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ रबर बैंड टू स्ट्रेच इट एंड ऑन क्ले टू चेंज इट शेप हम रबर बैंड खींचते हैं तो भी उसकी शेप चेंज हो जाती है या फिर हम क्ले को भी अपनी अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं क्वेश्चन थ्री है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल वी हैव टू डैश एट द रोब तो हमें क्या करना होता है हमें रोप को पुल करना होता है खींचना होता है पानी निकालने के लिए है ना कुएं में से अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट तो चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करती है एक अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट मूव एक लोडेड ट्रॉली को हमें मूव करने के लिए पुश करना पड़ता है द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैगनेट डैश टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैगनेट तो नॉर्थ नॉर्थ मतलब सेम चार्जिस रिपेल इज अदर क्वेश्चन है नेक्स्ट एन आर्कर स्ट्रेच हर बो वो है ना धनुष बाण तो जो आर्कर होता है वो अपने बो को स्ट्रेच करता है ताकि टारगेट को वो एम कर सके स टू मूव टू व टारगेट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आपको गैप को फिल करना है कि कौन सी कौन सी वाली फोर्स है द स्ट्रेच टू स्ट्रेच द बो द आर्कर अप्लाइज द फोर्स दैट कॉज देंज इज इन शेप है ना आर्च की जो शेप है धनुष की शेप चेंज हो जाती है फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मस्क्युलर है ना अपनी मसल की मदद से वो चेंज कर देता है मस्कुलर फोर्स द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होता है है ना कॉन्टैक्ट में लेकर के आपने खींचा है वाइल्ड द एरो मूव्स टू वर्ड्स इज टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू फोर्सेस ग्रेविटी है ना नीचे की तरफ जाता है और एयर की वजह से उसमें क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है क्वेश्चन फाइव इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स द ऑब्जेक्ट ऑन विच एट एक्ट्स इस द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स इन ईच केस तो आपको बताना है कि फोर्स किस पर लग रही है और उस फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है तो स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्टेड जूस आपने प्रेशर लगाया है ना तो आपने किससे प्रेशर लगाया है एजेंट्स जो हैं वो फिंगर हैं है ना और ये वाला जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिलप्स आपने फोर्स है ना उंगलियों से दबाया है ऑब्जेक्ट लेमन है और इफ़ेक्ट फोर्स का क्या हुआ है कि लेमन की शेप चेंज हो गई है और उसमें से जूस निकल गया है नेक्स्ट uh, पार्ट है टेकिंग आउट तो पेस्ट फ्रॉम टूट पेस्ट ट्यूब तो टूथ पेस्ट की ट्यूब में से आप लोग पेस्ट निकालते हैं तो फिर से आपकी एजेंट्स जो हैं वो फिंगर ऑफ द पर्सन है जो कि ट्यूब को स्क्वीज कर रही हैं ऑब्जेक्ट इज टूथ पेस्ट ट्यूब एंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स कैन बी ऑब्जर्व एज द पेस्ट कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब तो उस ट्यूब की शेप चेंज हो जाती है जब उसमें से आप लोग पेस्ट बाहर निकाल लेते हैं नेक्स्ट है अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल इट्स वन एंड इज ऑन हुक फिक्स टू द वॉल तो एक होता है ना हुक होता है और उस पर कुछ सामान लटका हुआ होता है तो एजेंट इज द लोड सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट इज द स्प्रिंग एंड द एफर्ट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ एनलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग ऑन द सस्पेंशन ऑफ लोड यानी कि शेप चेंज हो जाती है एन एथलीट मेकिंग अ हाई जम्प टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट तो एजेंट इज मसल ऑफ एथलीट ऑब्जेक्ट इज एथलीट हिमसेल्फ एंड द इफेक्ट ऑफ द फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन एथलीट हो जाएगा क्वेश्चन है ब्लैक स्मिथ हॉट पीस ऑफ आयरन वाई मेकिंग अ टूल हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन इंपॉर्टेंट है ये तो फोर्स ड्यू टू हैमरिंग कॉज द चेंज इन द शेप ऑफ द आयरन आयरन कैन बी मोडेड इन द शेप ऑफ द रिक्वायर्ड टूल तो आप उस पर मारते हैं तो क्या होता है उसकी चेंज होती है शेप क्वेश्चन सेवन बलून मतलब फूला हुआ बलून वॉज प्रेस अगेंस्ट अ वॉल एक फूला हुआ बलून को आपने वॉल के अगेंस्ट प्रेस किया आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ फिर उसके बाद आपने एक सिंथेटिक कपड़े से उसको रब किया इट वॉज फाउंड बलून सिक्स टू द वॉल हम देखते हैं कि बलून जो है वो वॉल से चिपक जा रहा है वट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल तो बताओ कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बलून और वॉल की अट्रैक्शन के लिए तो इसका ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो है बलून दीवार पर चिपक जाता है अगर आप घिस करके उसको लगा दें तो क्वेश्चन एट अनाम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबाउट ग्राउंड लेवल इन योर हैंड डिस्कस फाइ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन तो प्लास्टिक बकेट में आपने पानी पकड़ा हुआ है तो कौन-कौन सी फोर्स एक्ट हो रही हैं उस पर तो कौन कौन सी फोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मस्कुलर फोर्स हमारे आर्म्स की ऊपर की तरफ ले रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ इसलिए तो भारी होता है तो हाथ में दर्द हो जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस बकेट को जो आपने ऊपर की तरफ पकड़ी हुई है नीचे खींच रही है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ द फोर्सेज डू नॉट ब्रिंक एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दस कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट बट आपके हाथ में तो दर्द हो ही जाएगा उससे भले ही वो एक दूसरे को

कौन सा फोर्स उस पर लग रहा है कौन कौन से फोर्स एक्चुअली लग रहे हैं ये बताना है तो द फोर्सेस दैट एक्ट अ रॉकेट लीव्स लॉन्चिंग पैड तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ वर्ड्स जो कि नीचे की तरफ लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो दो टाइप के फोर्सेज उस टाइम पर रॉकेट पर लग रहे होते हैं क्वेश्चन टेन है वेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विद इट्स नोजल कैप्टन वाटर एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल बबल निकलते हैं ना पानी से बुलबुले जो वंस वी रिलीज द प्रेशर वाटर गेट्स फिल इन द ड्रॉपर है ना वाटर ड्रॉपर में भर जाता है तो राइज इन वाटर जो होता है ड्रॉपर में वो एटमोसफेरिक प्रेशर की वजह से होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये हम लोगों के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू